इन चीजों से कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है, और जब से महागठबंधन बनी है, इंडिया बनी है, तब से इन लोगों को आग लगा हुआ है। और ये हम भविष्यवाणी कर देते हैं आपके चैनलों के माध्यम से कि 24-25 में भाजपा का पूरे तरीके से सफाया निश्चित है, कहीं भी आने वाली नहीं। आप देख लीजिए, अदर राज्य में भी देख लीजिए भाजपा का क्या दुर्गति हो रहा है। सर ओपी राजभर ने कहा सर कि आयोग का बुद्धि 12 बजे आता है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से सवाल से उनको बचना चाहिए। दूसरी बात, वो भगवान श्री कृष्ण को गाली देने का काम किया। चलिए प्रताप जी, सवाल है कि जो गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव को जो छाता अधिकारी लगाए थे, बीजेपी सवाल उठा रही है और बोल रही है कि जो चारा घोटाला, देखिए फिर अभी तो लगाया जा रहा है। भाजपा के लोग तो हत्या करते हैं ना, भाजपा के हत्यारे हैं। एक साइड नाथूराम बोर्ड से महात्मा गांधी का हत्या की, तो उस पर फोकस करते सर। गोपालगंज सर गए, लालू जी सिवान नहीं गए। तेज प्रताप जी आप इनको बैठाइए वहाँ, इनको ले जाइए। अरे आप वहाँ बैठिए, वहाँ पहले आप। तेज प्रताप, गोपालगंज गए लालू जी लेकिन सिवान नहीं गए सर। सवाल उठ रहा है कि साबुद्दीन साहब के परिवार से मिलना चाहिए था। आपको यह बता दें, उनका स्वास्थ्य चल रहा है, तो मुश्किल से निकले अपने गांव के, वो तो वो भी नहीं जा रहे थे, हम लोग बोले चलने गए, लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। सब उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए मिलने। हम लोग तो गए ही हैं उनके यहाँ घर पे, हम तो हमेशा गए हैं और शुरू से रहे हैं, और पिताजी ने भी खूब मदद किया है उनको, ऐसा बात नहीं है। आज भी दिल में जगह है सर, दिल में जगह है, उनको भी तो आना चाहिए हम लोग के यहाँ।